ये हमने बच्चे के लिए डोरी ली है। जय माता दी। तो गाइस यहाँ से होते हुए हम लोगों को जाना है वहाँ तक, वहीं माता जी मिलेंगे, वहीं दर्शन करना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम लोग जाने वाले कटरा, यानी कि माता जी का दरबार, वैष्णो देवी माता जी का। तो और हमारे साथ है अभी भाई, वो गाइड है। हाँ सर आइए, ये देखिए इधर से अपन चलेंगे अभी। हाँ तो ये ट्रेन हमारी खड़ी है, कहाँ पे खड़ी है? ये पठानकोट पे खड़ी है। पठानकोट अब कुछ 4 घंटे बाद हम पहुँचने वाले होंगे। हाँ जम्मू कश्मीर कटरा, कटरा जहाँ से हम माता जी की चढ़ाई करेंगे। तो सारी जानकारी हमें ये गाइड जी देंगे, बहुत पैसा ले लिए भाई। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और बहुत मजा आएगा क्योंकि एक एक चीज बताएंगे भाई, इसलिए हम भोपाल से इनको उठा लाए हैं। तो आगे चलते हैं गाइस। मंदिर की ओर जाने से पहले आप लोगों को यात्रा पर्ची कटवाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड या आधार कार्ड की फोटो दिखाना पड़ेगा, और ये बिल्कुल निःशुल्क मिलता है। कटरा रेलवे स्टेशन या कटरा बस स्टैंड से आप लोग ले सकते हैं इसको बहुत ही आसानी से। तो यहाँ आते ही अपने सिम बंद हो जाता है, तो पोस्टपेड सिम लेना पड़ता है, जो कि हम लोग ले रहे हैं यहाँ से। और जियो का या एयरटेल का? एयरटेल का ले रहे हैं। एयरटेल का ले रहे हैं, कितने का पड़ रहा है? 250 रुपए का पड़ रहा है, और जियो का 300 रुपए का। 300 रुपए का ना। हाँ। तो कितने जीबी मिलेगा उसमें? इसमें 1 GB डेटा मिलेगा 250 रुपए। चलिए जय माता दी गाइस। तो फाइनली हम लोग कटरा पहुंच चुके हैं, और मंदिर की चढ़ाई करने के लिए आप लोगों को ये कार्ड वगैरह लेना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। और हाँ, आधार कार्ड के बिना नहीं मिलेगा, आधार कार्ड अगर आपके पास होगा तभी मिलेगा। तो आप लोगों को आधार कार्ड लेना पड़ेगा, अगर नहीं है तो फोटो कॉपी जरूर लेना पड़ेगा। ये देखो गाइस, यहाँ से अब हम लोगों को चढ़ना है वहाँ तक। तो यहाँ से ये मेन गेट है, और हमारे साथ इतने लोग हैं, तो जोर से बोलो जय माता दी। हाँ तो गाइस एक प्रॉब्लम हो गया अपने साथ, कैमरा लेके जा रहे थे तो वहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है, तो कैमरा वगैरह यहाँ पर रख दे रहे हैं और फिर चलते हैं मंदिर के ऊपर। तो भाई बहुत दिक्कत होती है, कैमरा वगैरह अगर लाते हो तो ना लाओ, कहीं रख दो। ये देखो गाइस, जो लोग पैदल नहीं चढ़ पाते वो लोग इनका सहारा लेते हैं, और ये इनका, तो आप लोग भी ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग पैदल यात्रा कर सकते हैं। चलो कुछ दूरी तय करते ही बाढ़ गंगा मिलता है, जिसका जल बहुत ही पवित्र और शीतल है। कहा जाता है बाढ़ गंगा को माँ वैष्णो देवी ने ही अपने बाणों द्वारा प्रकट की थी, जब हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्यास लगा था। तो ये बबुआ का पहले मुंडन होगा, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे मंदिर की ओर दर्शन करने। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, और ये अब बताएंगे, ये हमने बच्चे के लिए टोरी ली है। हाँ। ये ऊपर लाने के लिए सामान सहायता करेगी, बैग वगैरह भी टांग सकते हैं जिसके कारण हमने टांगा हुआ है। हाँ। ये पर्स वगैरह भी रख सकते हैं। कितना लगा इसमें? कुछ नहीं, बहुत ही कम लगता है, 200 रुपए बस डिपोजिट जमा करना पड़ेगा, आप इच्छा हो तो कर सकते हैं। आप आने जाने के 200 रुपए है ना? आने जाने के 200 रुपए। चलिए जय माता दी। तो एक ये मंदिर हमको दिखा है, तो चलते हैं दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। तो गाइस हम लोगों ने माता जी का दर्शन किया अभी, और ये प्रसाद वगैरह मिला, प्रसाद वगैरह खाते हैं। आप लोग व्यू देखो, फिर आगे की ओर चलते हैं। तो मनोकामना मंदिर का दर्शन करने के बाद चरण पादुका मंदिर पे हम लोग जाने वाले हैं, तो आइए चलते हैं। इस मंदिर में हमको माँ वैष्णो देवी के चरणों के दर्शन होते हैं, क्योंकि जब भैरवनाथ माता रानी का पीछा कर रहा था, तब इसी स्थान पर से माता रानी पीछे मुड़कर देखी थी कि भैरवनाथ अभी कहाँ पर है, तभी इसी स्थान पर माता रानी के चरणों के निशान बन गए, इसलिए इसे चरण पादुका मंदिर कहते हैं। जोर से बोलो। तो फाइनली गाइस मंदिर के बहुत करीब आ चुके हैं, और इतना करीब आ चुके हैं कि अब चलने की सारी क्षमता खत्म हो चुकी है, फिर भी चल रहे हैं। तो बस बहुत करीब आ गए हैं, चलिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी मंदिर। इस मंदिर में माता जी का दर्शन पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसमें आपको एक पर्ची मिलेगा जहाँ पे समय दिया होता है इतने बजे से इतने बजे तक में आपको दर्शन करने को मिल जाएगा। हमने रजिस्ट्रेशन करवाया और पता चला 11 घंटे बाद अर्धकुंवारी माँ के दर्शन होंगे। हमको बहुत ज्यादा समय मिल गया था, इसलिए हमने सोचा क्यों ना भवन की ओर जाकर दर्शन कराया जाए इन्हीं 11 घंटों के अंदर अंदर। तो फिर क्या हुआ, हम लोग चल दिए। जय माता दी।
हिरन है, हिरन है, हिरन है, हिरन है, बकरा थोड़ी ना है। ये देखो गाइस इतनी पहाड़ के ऊपर ये हिरन। तो गाइस इधर तरफ प्रसाद वगैरह मिलता है, तो यहाँ से अभी हम लोग प्रसाद वगैरह लेंगे और फिर चलेंगे उधर माता जी के दर्शन करेंगे। अपने नाम तो यहाँ पे अपना मोबाइल जमा हो जाता है गाइस, और फिर इसके बाद हम लोग ऐसे भी अपने मोबाइल के जाएंगे। तो गाइस यहाँ से होते हुए हम लोगों को जाना है वहाँ तक, वहीं माता जी मिलेंगी, वहीं दर्शन करना है। और भाई गुफा टाइप का रहता है, उसी गुफा से होते हुए जाना है। और हाँ, सामान कुछ भी नहीं लेके जाना, बस पैसा जो भी लेके जाना है जेब में रखना है। तो चलिए दर्शन वगैरह करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हाँ, तो हमें गाइड जी बताएंगे माता वैष्णो देवी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, तो वहाँ जाने से पहले क्या करना पड़ता है? वहाँ जाने से पहले आपको नीचे आना पड़ेगा और तेज बोलो, लोकर लेना पड़ेगा। जब तक आप लोकर नहीं लेंगे तो अपना सामान उसमें नहीं रख पाएंगे आप। हाँ, आपके पर्स, मोबाइल और घड़ी, ये सब चीजें जो है ना लोकर में रख के जाना पड़ेगा आपको। और उसके बाद आपको लोकर निःशुल्क मिलेगा, उसकी कोई पैसा इसका नहीं देना पड़ता। हाँ, इसका पैसा कोई नहीं देना पड़ता। और ये कार्ड सिर्फ आपके पास रहना चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं रहना चाहिए ना। हाँ हाँ, बस। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलते हैं अब आगे की ओर चलते हैं, और अब देखते हैं कौन से मंदिर का दर्शन करना है, क्योंकि भाई थक चुके हैं, बहुत ऊपर चढ़ाए हैं, है ना, बहुत थक चुके हैं। तो चलिए, हाँ, तो भाई सब हम लोग चल रहे हैं भैरव बाबा जी के दर्शन करने। तो चलते हैं, अगर मोबाइल वगैरह अलाउ रहेगा तो आप लोगों को दिखाते हैं भैरव बाबा मंदिर। चलो गाइज, ये है भैरव बाबा मंदिर, आप लोग यहीं से दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि पास से जाकर वीडियो बनाना मना है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नवरात्रि के टाइम पे वहाँ पे करोड़ों भीड़ रहती है माँ वैष्णो देवी के मंदिर पे, और आप लोग भी जाना चाहते हैं और वहाँ पे जाके आप लोग पैदल दर्शन करके आना चाहते हैं जल्दी से, तो आप लोग सीढ़ियों द्वारा जाइएगा। अगर आप लोगों के साथ फैमिली है तो छोटे छोटे बच्चे भी रहेंगे, तो आप लोग रास्तों के द्वारा जाइएगा तो जल्दी दर्शन हो जाएंगे। और हाँ, अगर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप लोग हेलीकॉप्टर बुक कर लीजिएगा, हेलीकॉप्टर आप लोगों को 1 से 2 घंटे के अंदर भवन पहुँचा देगा। माँ वैष्णो देवी जी के मंदिर वहाँ से पड़ेगा आप लोगों को 3 किलोमीटर आप लोगों को पैदल चलना पड़ेगा, 3 से 4 किलोमीटर, और फिर उसके बाद आप लोग दर्शन कर लेंगे। और वहाँ से दर्शन करने के बाद आप लोगों को टाइम पता रहेगा कि हेलीकॉप्टर के पास कब पहुँचना है, यानी कितने घंटे में पहुँचना है, तो आप लोग अपने टाइम पे पहुँच जाइएगा। इस वीडियो देखकर अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम नवरात्रि स्पेशल इसका पार्ट 2 वीडियो लाए, वीडियो को 100 लाइक वीडियो में कंप्लीट करवा देना, हम जरूर ले आएंगे पार्ट 2। और हाँ, वीडियो देखकर अगर पसंद आया हो तो ये सब चीज़ जरूर कंप्लीट करवा देना गाइस, बहुत मेहनत लगती है। हम मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।